आखिर किस तरह से गंगा बदल गई दूध में और नंदी जी पीते हुए नजर आए गंगा जल। आज के इस खास वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये भी शिवरात्रि स्पेशल वीडियो है। महादेव दर्शन में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, देश में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां शिव जी अपने विभिन्न रूपों में विराजमान हैं। आज हम आपको शिव जी के एक ऐसी गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि जिस गुफा की हम बात कर रहे हैं वो शिवालिक पर्वत की श्रृंखला में स्थित है, जहां प्रकृति निर्मित शिवलिंग और अन्य प्रतिमाएं स्थापित है। कहा जाता है कि ये प्राकृतिक गुफा हर शिव भक्त के लिए बहुत मायने रखती है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है। रियासी में ही भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी गुफा। दोस्तों, इससे जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। यही कारण है कि शिव खोड़ी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बंधु माना जाता है। दोस्तों, इस चमत्कारी गुफा में देवों के देव महादेव भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि शिव खोड़ी गुफा के दर्शन करने जाने के लिए अप्रैल से लेकर जून तक का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद सुहाना और ठंडा रहता है। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में बसी हुई ये एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहां अपने आप की आदिकाल से लेकर अब तक भगवान शिव की महिमा बनी हुई है। माना जाता है कि शिव खोड़ी गुफा में समस्त 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। रनसू से शिव खोड़ी की गुफा करीब 3.5 किलोमीटर दूर रह जाती है। यहां से पैदल और खच्चर के द्वारा बाबा भोलेनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा रनसू से थोड़ा आगे चलने पर लोहे का एक छोटा सा पुल आता है जो नदी पर बना हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस नदी को दूध गंगा कहते हैं और इससे जुड़ी किंवदंती के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन इस नदी का जल स्वयं दूध के समान सफेद हो जाता है। इसके आगे का एक कुंड आता है जिसे अंजनी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी कुंड के पास नीलकंठ की सवारी नंदी यानी कि बैल के पैरों के निशान है। मान्यता है कि नंदी इस कुंड में पानी पीने आते थे। दोस्तों, 1, 2, 3, 4 भोले तेरी जय जयकार, हर हर महादेव बम भोले, भोले तेरा रूप निराला, शिव खोड़ी में तूने डेरा डाला, इत्यादि जैसे जयकारों के साथ भक्त काफिले में आगे बढ़ जाते हैं। करीब 1 किलोमीटर आगे चलने पर लक्ष्मी गणेश का मंदिर आता है, जिसके अंदर छोटी सी एक गुफा में प्राचीन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है। इसके अलावा नीचे से बहती हुई दूध गंगा की कल कल ध्वनि मंदिर की शोभा में और 4 चांद लगा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ दिनों तक लेकर आते रहेंगे महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियोस। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।